हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और सुबह सुबह भाई साइड पर आ चुके हैं और अभी करने वाले हैं भाई शंकर वाली मशीन की हम सर्विस, ऑयल सर्विस करने वाले हैं इंजन की। तो किस तरह से करते हैं ज़रा देखिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप भी नए भाई हैं कोई, तो अगर सर्विस करना चाहते हैं तो किस तरह से सर्विस करते हैं मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा और सारा चीज़ मैं दिखा दूंगा वीडियो के अंदर कि कैसे हम इसकी इंजन सर्विस करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इसी तरह के और भी कॉन्टेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। शंकर करने वाला है यहाँ पर, इसे मतलब जो बोल्ट है इसको खोल देंगे हम। सबसे पहले आयल निकालने के लिए इस बोल्ट को खोलना पड़ता है। ये दोनों साइड से खुलता है बोल्ट, उधर की साइड से भी खुलता है, इधर की साइड से भी खुलता है, चैम्बर के दोनों साइड में लगा हुआ होता है। और इसका मतलब आयल डालने के लिए भी दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ऊपर की साइड, जो यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ है। ये जो निशान है, ये निशान देख सकते हो, ये निशान आयल डालने के लिए होता है। तो कहीं से भी डाल सकते हो आप, इसमें डाल सकते हो, उसमें भी डाल सकते हो, है ना। तो मशीन को आपको इस पोजीशन में लगाना है ताकि थोड़ा सा जो है इधर की साइड में झुका हुआ है अभी ये मशीन, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि जो ये सारा ऑयल है एक साइड से निकल जाए, है ना। क्योंकि पूरा निकालना है हमें ऑयल, तो ये हम पूरा निकालेंगे, इसीलिए हम एक साइड से थोड़ा सा झुका के रखते हैं मशीन को, ताकि ये जो ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए यहाँ पर। तो अपना ऑयल निकल चुका है, तो अब भाई करने वाले हैं हम इस फिल्टर को खोलने वाले हैं। इस तरह से आप एक पाना लेना है और फिल्टर पाना लेके आए और इसको खोल देना है। तो फिल्टर अपना खुल चुका है, ऑयल अपना करीब करीब निकल चुका है, थोड़ा बहुत बचा वो भी निकल जाएगा। तो हम कुछ देर के लिए इसे ओपन ही रखेंगे, क्योंकि हमें जब तक फिल्टर खोलना है, डीजल फिल्टर खोलना है। ये वाला फिल्टर एक सर्विस छोड़ के दूसरी सर्विस पे चेंज होता है, मतलब ये फिल्टर 1000 घंटे में चेंज होता है और ये वाला फिल्टर 500 घंटे में चेंज होता है और अपनी सर्विस भी 500 घंटे के अंदर ही होती है इंजन की, है ना। तो भाई सब ध्यान रखें कि जो ये वाला फिल्टर भी 500 घंटे के अंदर हमें चेंज करना पड़ता है। तो 500 घंटे के अंदर अपना जो ऑयल है वो चेंज होता है, ये वाला फिल्टर चेंज होता है और एक ऑयल फिल्टर चेंज होता है। ये डीजल फिल्टर है और डीजल फिल्टर इसके अंदर दो है। और आपको ये जो लिखा हुआ होता है ना, कई सारे भाई बोलते हैं ये 50H है, ये 50H है भाई। यहाँ पर एक टूटी का निशान बना हुआ है, नल, जो पानी का नल बना होता है ये वाला सिस्टम। तो ये जो 50 है, ये 50 घंटों के अंदर इसका पानी, जो वाटर सेपरेटरी है इसका पानी निकालने के लिए ये निशान दिया जाता है। आपको 50 घंटे के अंदर इसका देखना पड़ता है पानी, अगर पानी इसके अंदर है तो आप इसे यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। तो वो जब आपको कैसे पता चलेगा इसके अंदर पानी, जो यहाँ के अंदर एक रिंग आती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर एक रिंग बनी हुई है अंदर, जो अभी इसके अंदर पानी है नहीं, तो ये रिंग पूरी तरह से नीचे है। अगर ये जैसे जैसे पानी आता है तो रिंग ऊपर की साइड चढ़ती जाती है, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है। तो अब भाई हम इसको खोलने वाले हैं, तो कुछ इस तरह से आप खोल सकते हो पेचकस से, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट अगर खोलना चाहे तो डायरेक्ट खुलता है, तो डायरेक्ट खोल लो, डायरेक्ट खुल जाए, खुल जाए, खुल खुल जाए। ये फिल्टर बाहर आ गया भाई, अब इसके अंदर डीजल निकला है। ये क्या रिंग जो अगर इस तरह से निकलती है ना कुछ, ये रिंग जो अगर ख़राब निकलती है तो यहाँ से मशीन एयर लेती है और हमें पता भी नहीं चलता है, खराबी में थोड़ी 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 एयर लेती है मशीन। ये भाई डीजल निकल गया यहाँ से पूरा, इसे यहाँ से खोलना पड़ेगा ना, तो यहाँ से खोल देना है। और ये वाला चीज़ जो साथ में आता है इसे आप ध्यान से रखें, क्योंकि इसके अंदर एक पिन लगती है, जो जैसे ही पानी इसके अंदर पानी आता है ना तो ये बता देती है, यहाँ से यहाँ पर एक पिन लगती है। अपने फिल्टर के साथ भी ऐसा कुछ आता है लेकिन इसमें पिन नहीं लगती है, तो इसे हम खोलने वाले हैं। साफ कर ले डीजल पूरे, मिट्टी ने एक बार साफ कर पहली। दोस्तों फिल्टर के साथ में ये वाला सिस्टम आता है नया,
जिससे कि आप इसे मतलब बंद कर सकते हो। अगर आपका जो वाटर सेपरेटर यहाँ पर नहीं लगाना है तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। और इसके अंदर ये वाला सिस्टम आता है जो कि इससे आपको पता चल जाता है, अगर पानी आता है तो डायरेक्ट मीटर के अंदर बताता है। दोस्तों ये जो रिंग है ना, इसका ध्यान रखना है, ये यहाँ पर लगती है जो अपना वाटर सेपरेटर होता है यहाँ पर। अगर ये रिंग ख़राब हो जाती है, कुछ भी होता है, तो यहाँ से मशीन एयर ले लेती है और पता भी नहीं पड़ता, यहाँ से एयर लेने लगती है मशीन। पूरी तरह से भी एयर नहीं लेती है, लेकिन थोड़ा सा फड़फड़ करने लगती है। तो ये रिंग आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वापस लगा के फिर फिल्टर को लगाना है यहाँ पर। दोस्तों इसका ध्यान रखना है, इसको वापस डालना है इधर, क्योंकि वापस हम इससे फिल्टर इसी से टाइट होता है। दोस्तों यहाँ पर जी ये नक्के बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे से नक्के बने हुए हैं, इसको यहाँ पर नक्के अंदर भी की साइड भी नक्के बने हुए हैं, तो इसको इसके अंदर भी घुसाना है आपको, है ना, ध्यान रखना है यहाँ पर, वरना फिल्टर लगेगा नहीं। हाँ ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जो काला ऑयल बचा हुआ होगा उसे आपको साफ करना है थोड़ा सा। यहाँ पर इस तरह से सफाई कर देनी है, जो काला ऑयल बचा हुआ होगा अंदर उसे निकालना है, मतलब कपड़े से साफ कर देना है इसे। ये फिल्टर अभी खुलने वाला नहीं है क्योंकि ये पिछली सर्विस पे चेंज हुआ था, तो अभी इसे खोलने वाले नहीं हम। तो भाई HP का आया है ये ऑयल, अब पता नहीं कैसा है लेकिन HP का। तो दोस्तों ऑयल निकल चुका है यहाँ से और अभी हम इसका डार्ट बंद करने वाले हैं। तो ये इसको थोड़ा सा साफ कर लेना है, अगर यहाँ पर कुछ एमरी वगैरह कुछ दिखे तो आप ध्यान रखना, ये जो चुंबक है इस पर थोड़ी सी बहुत एमरी लग जाती है, क्योंकि अंदर से अगर कोई पार्ट्स टूट जाता है तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। वैसे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो फिर भाई बोल देना चाहिए मालिक को कि ये सामान टूट गया है अंदर, या अच्छा कुछ ऐसा इश्यू है हो रहा है। यह है भाई ऑयल फिल्टर, और इसकी जो JCB कंपनी की जो रेट है वो है भाई 655 रुपये, 650 रुपये हैं यहाँ पर, देख सकते हो 655 रुपये है इसका प्राइस, और JCB कंपनी का है वो। दूसरा वाला हमने एक डीजल फिल्टर है, वो लोकल कंपनी का लगाया, वो पता नहीं कौन सी कंपनी का है, लेकिन वो लोकल में लगाया हुआ, उसका भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है चैनल के ऊपर, तो आप जाके देख लेना, पहले की जो वीडियो थी पुरानी वीडियो उसके अंदर उसमें बताया गया है कि वो कितने रुपए का है और वो कौन सी कंपनी का डीजल फिल्टर है। अब हम यहाँ से ऑयल डालने वाले हैं ऊपर वाले ढक्कन से, इसे खोल देना सबसे पहले, और भाई एक कुछ इस तरह का कीमा लगा देना है यहाँ पर। भाई इंजन ऑयल डल रहा है, 15 लीटर की बाल्टी लेके आए थे हम, और अभी इसमें से करीब 14 लीटर डालेंगे तब हो जाएगा अपना गेज बराबर। तो थोड़ा बहुत पुराना बचा हुआ होगा तो 100-200 ग्राम आधा 500 ग्राम कम आएगा।
तो दोस्तों हमने इंजन सर्विस कर दी है और इसी तरह से इंजन सर्विस करते हैं दोस्तों। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये भाई कंप्लीट हो चुकी है, ये सर्विस कर दी हमने। ये लो सारे सिस्टम, ये ऑयल बचाया है 15 लीटर से, करीब 1.5 लीटर ऑयल बचा है इसके अंदर। और अपनी दोनों मशीनों के अंदर हाइड्रोलिक बराबर किया था, तो इसके अंदर हाइड्रोलिक पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा एक बड़ा ड्रम उससे लेके आए थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखा, गुड बाय।